हाय फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आदमी कतराता है क्योंकि मेरा तो उतना सैलरी है नहीं, हम आखिर लेंगे तो कैसे, लेंगे खरीदेंगे तो कैसे, इसलिए कि 3,000, 4,000, 5,000 रियाल यानी 10,000 रियाल तक का कोई कोई सामान रहता है जो कि आदमी के अंदर जो कि दिल में उसके ज़रूरत रहता है और सोचता भी है कि वो मेरे पास होता तो अच्छा होता, लेकिन कारण ही बस ये होता है कि उनके पास उतना बजट नहीं होने के कारण वो लोग नहीं परचेज कर पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इंशाल्लाह आप भी परचेज कर सकेंगे, इसलिए कि सऊदी अरबिया जो हैपर लुलू मार्केट है उसने एक अपना क्राइटेरिया जो कि शर्त बिल्कुल आपके लिए कम कर दिया है, जो 1500 रियाल से लेकर के 1,500 रियाल से लेकर के आप 20,000 रियाल तक का सामान परचेज कर सकते हैं, यानी कि 1,500 से लेकर के 20,000 रियाल तक का आप सामान सऊदी अरबिया के अंदर जो कि परचेज कर सकते हैं, वो भी आपको इंस्टॉलमेंट पे यानी कि किस्त पे आपको हर महीने जो कि पेमेंट देने होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बिल्कुल ए टू जेड आपको उसको विस्तार से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप इंस्टॉलमेंट भी जो सामान लेते हैं सऊदी अरबिया के अंदर तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया और क्या प्रोसेस आपको कैसे क्या करने होंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में अपने फ्रेंड को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपके फ्रेंड के पास पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए आपको कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल है आपकी जो है कि एक सैलरी स्लिप चाहिए। सैलरी स्लिप आप लेकर के जाएंगे जिस सामान को भी आपको ज़रूरत है, मसलन अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो आपको आईफोन पहले सेलेक्ट करना होगा उसका कितना प्राइस है, उसके बाद एक जगह आपको इंस्टॉलमेंट का काउंटर अलग से उस पर बनाया गया रहता है, और चाहे तो आप ज़्यादा उस वहाँ जाने के बाद पहले आप इंस्टॉलमेंट काउंटर पे चले जाएं, वहाँ भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और बाकी जो हमको वहाँ से जो मिला है वही हम आपके साथ बता रहे हैं, बिल्कुल सेम मैच करेगा इंशाल्लाह। आपका क्राइटेरिया ये है कि यानी कि 1,500 रियाल से यानी अभव सामान होना चाहिए, जिस सामान को आप परचेज करने जा रहे हैं उसका प्राइस यानी कि 1,500 रियाल होना चाहिए, और उससे ऊपर जितना भी हो 20,000 रियाल तक का, यानी कि 1,500 से लेकर के और 20,000 रियाल तक के बीच में जितना भी सामान है उसको आप परचेज कर सकते हैं, और 20,000 रियाल से ऊपर का सामान आप परचेज नहीं कर सकते, जो कि वही सामान आपको मिलेंगे जो कि हैपर लुलू मार्केट के अंदर जो कि अवेलेबल हैं। सैलरी स्लिप चाहिए जिसमें कि आपको उसमें ऑलरेडी मेंशन किया हो कि आपकी सैलरी इतनी है, और उस पर साथ में स्टम्प होना चाहिए सऊदी का जो कि गवर्नमेंट का, ताकि आपको बिल्कुल जेन्युइन पता लग सके, उनको जो इंस्टॉलमेंट पे आपको सामान दे रहे हैं उनको पता लग सके कि हाँ इनकी रातिब जो सैलरी है कि बिल्कुल इतना है एग्जैक्टली, यानी कि करेक्ट आपका जो कि सैलरी उनको पता होना चाहिए। उस पर आपको सैलरी 3,000 होनी चाहिए, जो कि इससे पहले हम आपको वीडियो बनाए थे जो कि जरीर बुक स्टोर का था, उसमें सैलरी आपको क्राइटेरिया 4,000 रियाल था, इसमें लुलू हैपर मार्केट में आपको सैलरी स्लिप का जो कि क्राइटेरिया 3,000 है, यानी कि 3,000 रियाल आपका सैलरी होगा तो आप इंस्टॉलमेंट पे सामान बाय करने के लायक मैं यानी कि आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप इतना का अगर कोई सामान भी इसके बीच के लेवल में ले रहे हैं तो उसके लिए आपको ब्याज दर देने होंगे 20%, यानी कि 20% के हिसाब से आपको ब्याज दर लगेंगे, जो कि सऊदी अरबिया के अंदर कोई भी सामान आप इंस्टॉलमेंट पे परचेज करते हैं तो आप को 20% ब्याज दर देने होंगे। तो अगर आपकी 3,000 रियाल सैलरी है तो आप यानी कि कोई भी सामान जो कि लुलू हैपर मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। कि आप सोचेंगे कि अब इंस्टॉलमेंट पे तो लेंगे लेकिन कितना दिन के लिए मिलेगा, यानी कि 1 साल के लिए मिलेगा कि 2 साल की कि 3 साल के लिए, हम कैसे ले सकते हैं, यानी कि 4 स्टेप में मिलेंगे। पहला स्टेप आपको ये होगा कि 3 मंथ के लिए आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं, और दूसरा 6 मंथ, और तीसरा जो कि आप 1 ईयर के लिए ले सकते हैं, और उससे अब ज़्यादा अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आपको जो कि 1.5 ईयर्स के लिए जो कि मिल जाए, यानी कि 18 मंथ के लिए, 12, 6, 18 मंथ के लिए आपको मिल जाए तो आपके लिए बेहतर है, और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप घर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, बशर्ते आपकी जो इंस्टॉलमेंट हो रही है जिस कार्ड के जरिए वो आपकी सिम जो कि एक्टिव होनी चाहिए चालू, और आपके किसी फ्रेंड को आप दे करके जो कि जा सकते हैं हर महीने जो है कि आपके अकाउंट से उतना पैसा जो कि डिडक्टेड हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट से पैसा उतना एवरी मंथ जो कि कट जाएगा, और आप आपके जो बजट से जो एबव हो रहा था उस सामान को आप बिल्कुल ईजी परचेज कर सकते हैं, जैसा कि आईफोन भी, लैपटॉप भी,
और जो LCD वगैरह TV वगैरह जो भी था उसको आप परचेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा।